मानव, हम दोनों का MBA का लास्ट ईयर है, पता है। पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करो ना। सौम्या बोली, हम दोनों अलग कास्ट के हैं, घर वाले राजी नहीं होंगे, टेंशन न लो। मानव अपने दादाजी की आंखों का तारा था, पता था दादाजी उसकी बात नहीं टालेंगे। सावली, मृगनयनी जैसे आंखों वाली एजुकेटेड सौम्या पहली नजर में ही दादाजी को पसंद आ गई। दादाजी ने मानव के मम्मी पापा को शादी के लिए तैयार कर लिया। आजकल जमाना सही नहीं है, बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मानव की माँ यानी रति जी ने शादी की शर्तें रखी। मेरे हिसाब से ही तुम दोनों रहोगे, हर काम मेरी मर्जी से होगा। जी मम्मी जी, दोनों अपनी शादी की बातें सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। शादी के बाद सौम्या ने देखा किचन में तो ताला पड़ा है। मम्मी जी, ये कोई रीति है क्या? नहीं, ये रोज ही पड़ा रहेगा, मैं ही इसे खोलूंगी, मैंने मेड को हटा दिया है। पहले तू बर्तन कर ले, फिर सबको गरम नाश्ता बना, दादी बाबा के लिए कुछ लाइट नाश्ता बना लेना, बाकी तू अपनी नंद देवर और हम लोगों के लिए गोभी का पराठा कर लेना। रति जी बोली, ओ सौम्या, पूरे घर का झाड़ू पोंछा भी करना है, उसके बाद लंच की तैयारी करना। हाँ, अपना घर समझकर सब काम अच्छे से करना। रति जी बोली, एक दिन मैंने यहाँ 10 केले रखे थे और 4 सेब भी, रति तूने उठाए क्या? आजकल घी भी बहुत जल्द खत्म हो रहा है। रति जी ने गुस्से में सौम्या से पूछा, सौम्या अपने मन में यहाँ फल भी गिन कर रखे जाते हैं, खाने पीने पर कितनी रोक टोक लगाई जाती है। हाँ मम्मी जी, भूख लगी थी तो खा लिए, सौम्या ने रति जी को जवाब दिया। कुछ समय बाद सौम्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी माँ डिब्बा भर के मेवे के लड्डू ले आई, लेकिन रति जी ने एक भी लड्डू अपनी बहू को नहीं दिया, सब बात दिए, बच्चा का कुछ भी विशेष ध्यान नहीं दिया। असल में वो शुरू से ही पहली पसंद नहीं थी, इसी बात का बदला वो सौम्या से ले रही थी। उस दिन रति जी की नंद आई थी, जी जी मैंने 3 किलो देसी घी सौम्या को खिला चुकी हूँ, कई तरह के मेवे स्पेशल दूध सब बनाती हूँ अपनी बहू के लिए। रति जी अपनी नंद के सामने अपनी ही तारीफों के पुल बांध रही थी। मम्मी जी अब बस भी करिए, आपने मुझे सिर्फ काम वाली बाई समझा, बहू तो सपने में भी नहीं माना, अपना घर मानकर सबकी सेवा करती रही, पर आपने कभी भी उसका मान नहीं रखा, माँ के लड्डू भी नहीं दिए। आज सौम्या अपने दिल का गुबार खोले जा रही थी। रति जी चौंकती हुई देख रही थी, झूठ का जो तिलिस्म खड़ा किया गया था आज वो उनकी नंद के सामने धराशाही हो चुका था। तभी मानव ड्राई फ्रूट्स के पैकेट की ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आया। मम्मी जी, आपने बोला था कि इस घर को अपना घर समझकर काम करो, बस वही करने जा रही हूँ, अपना खान पान और ध्यान रखूंगी, तभी तो मुन्ने का ध्यान रख पाऊंगी, इस घर का, घर के लोगों का ध्यान रख पाऊंगी, सौम्या अपनी सासू माँ से बोली। अब तो पासा पलट चुका था, रति जी ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।